अयोध्या पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानो गुट के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि किसान नेताओं की वजह से किसानों का शोषण हो रहा है। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानो गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह समेत सभी किसान नेताओं की जांच होनी चाहिए। सरकार सभी किसान नेताओं की 30 साल से अब तक की संपत्तियों की जांच करे और जांच रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करे। जो भी बेईमान हो उसको सरकार जेल भेजे और उसकी संपत्ति जब्त करे। योगेश प्रताप सिंह ने कहा कि जो किसान नेता ईमानदार हो उसके कहने से किसान आयोग का गठन हो और किसान आयोग में ईमानदार नेताओं को भी शामिल किया जाए, तभी किसानों का भला होगा। किसी आंदोलन से किसानों का भला नहीं होगा। पहले किसानों को इकट्ठा करके आंदोलन करो और बाद में बंद कमरों में बात करो, ये ठीक नहीं है। किसानों की वजह से ही किसान नेताओं की वजह से किसानों का शोषण हो रहा है, इसलिए ठाकुर भानु प्रताप सिंह समेत जितने में देश में किसान नेता हैं सबकी 30 साल से अब तक की जांच होके उसको सार्वजनिक करे सरकार। जो भी बेईमान हो, ये अगर बेईमान होते हैं तो इनको जेल भेजो, संपत्ति जब्त करो, और कोई है तो उनका क्या करोगे आप जानो। और जो भी ईमानदार पाया जाए उनके कहे से किसान आयोग का गठन करो और किसान आयोग में उन्हीं लोगों को, ईमानदार लोगों को रखो, जिससे वो आपको सरकार को बताएंगे कि किसानों के लिए ये योजना लाओ, तब किसानों का भला होगा। ऐसे आंदोलनों से किसानों का भला नहीं होगा कि आगे पहले तो किसानों को इकट्ठा करके आंदोलन करते हैं और बंद कमरों में जाके बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है आज तक वही होता आया है।